ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 8C के जीके के चैप्टर नंबर 4 आवर कॉन्स्टिट्यूशन से है। ये आप एज अ गेम आपको ये चैप्टर देखिए दिखाया गया है, जिसमें आपके इनर बॉक्सेस जो हैं वो खाली छोड़े गए हैं। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखते हो जहाँ मैंने ABCD लिखा हुआ है, ये बॉक्सेस जो हैं खाली छोड़े गए हैं, दैट इज़ पजल फॉर यू। और उसके बाद वाले कॉलम में जहाँ 1, 2, 3, 4 जो है ब्रैकेट्स बनाए गए हैं, पार्ट्स हैं, वो आपको जो है हाउ मेनी फंडामेंटल आपको क्वेश्चन दिए हैं, और उसके आंसर जो है आपके आउटर सर्कल में दिए हुए हैं, जो मोस्ट आउटर सर्कल है आपका उसमें। तो आपको जो है क्वेश्चन के आंसर्स सर्कल में लिखे हुए ABCD ऑप्शन से बताने हैं। नंबर्स आपके जो हैं वो आंसर हैं, ठीक है। नंबर है 26 नवंबर 1949 एट्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का आपको बेस बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, दैट इज़ आवर राइट। एक्चुअली सही मायनों में हम फ्री उसी दिन हुए थे जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, अपने सिद्धांतों पे चलना सीखा था। दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन सेज सम लाइन्स आर देयर विच आर मेंशन इन योर चैप्टर, यू शुड हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग स्निपेट बॉक्स में देखते हैं स्नूपी क्या कहता है। देयर इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ भीमराव अम्बेडकर। देखिए, बाबा साहेब भीमजी राव अम्बेडकर वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। आर्किटेक्ट का मेरली मतलब होता है, मीनिंग होता है शिल्पकार, लेकिन यहाँ इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, यानी भारतीय संविधान का शिल्पकार। बाबा साहेब भीमजी राव अम्बेडकर जो थे उन्हें भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट शिल्पकार कहा जाता था। चलिए देखते हैं। इंडिया इज़ अ सॉवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष सामाजिक डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक जनतंत्र है, संविधान है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू गवर्न दिस रिपब्लिक। हमारा जो संविधान है वह हमारे यहाँ के जनतंत्र को, हमारे यहाँ के तंत्र को चलाने के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड कराता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर्स गिवन ऑन द आउटर रिम ऑफ द व्हील। आपकी जो सबसे आउटर रिम है व्हील की, इस चक्र की, उसमें जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं उसको सही सही चुन के राइट द करेक्ट लेटर इन ईच बॉक्स। जो करेक्ट लेटर है आंसर का उसको हर बॉक्स में फिलअप करना है। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये है, व्हेन वाज द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे को किस दिन स्वीकार किया गया था। आपका सही आंसर जो है ठीक आपके साथ में लिखा हुआ है। ओके, 26 नवंबर 1949 में इस दिन ड्राफ्ट स्वीकार किया गया था, यानी संविधान का ढांचा, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली। ओके, तो इसमें आप लिखोगे ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। कितने फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकार किया गया है। देखिए, कंटिंजेंसी फंड, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 11, 26 जनवरी 1950, प्रेसिडेंट 6, फिर इसके बाद आपका है 12। बताइए कितने फंडामेंटल राइट्स। तो आई शुड हैव टू गिव द आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सही है यच। ओके, यच में आपका आंसर है 6। 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर अडॉप्टेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, मेरली इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही ऑप्शन है आपका ई, 11। फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज़ यानी हमारे मौलिक जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार तो जान हम लोग गए ही हैं, तो अपनी ड्यूटीज़ को भी निभाना है। तो मौलिक अधिकार 6 दिए गए हैं, लेकिन हमारी जो मौलिक ड्यूटी है, कर्तव्य हैं, वो 11 हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश का, यहाँ स्टेट का मतलब आपका है आपके राष्ट्र का, ठीक है। स्टेट का मतलब आपके राष्ट्र का, स्टेट का एक निम्नलिखित अर्थ आपका जो है रीजन होता है, उसके अलावा जो है एक क्षेत्र होता है। राष्ट्र के लिए भी आप स्टेट को इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे लिए आप लोग अभी तक यही जानते होंगे कि स्टेट मीन्स राज्य होता है,
लेकिन स्टेट यहाँ राष्ट्र के लिए मेंशन किया गया है, नेशन। तो संविधान के अनुसार हमारे देश का मुखिया कौन है? तो योर आंसर इज आंसर नंबर जी, प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द फंड प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। अनफॉरसीन यानि आकस्मिक खर्च, आकस्मिक खर्चों से निपटने के लिए जिस फंड को प्रोवाइड किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको कहा जाता है कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी यानी होता है आकस्मिक आपदा, ठीक है, आपदाएं जो आती हैं आपकी वो होती है कंटिंजेंसी। तो कंटिंजेंसी फंड कहा जाता है आकस्मिक खर्चों से निपटने के लिए बनाए गए फंड को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। हमारे संविधान को किस दिन लागू किया गया था? ऑल ऑफ यू मी हैव टू नो, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हो तब से हर 26 जनवरी को ये जानते हो कि किस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। उस 26 जनवरी में बस एक ईयर ऐड करना होता है, दैट इज़ 1950। ओके, ऑप्शन नंबर आपका यफ, ठीक है, यफ 26 जनवरी, ये रहा आपका 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट नोन एज। संविधान के द्वारा गवर्नमेंट को यानी हमारी सत्ता को जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? हम लोग उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राष्ट्र को चलाए जाने के लिए निर्गमित किए गए सिद्धांत, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी लिखिए। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के लिए जो धाराएं बनाई, शेड्यूल बनाए गए हैं उसी के अंतर्गत सब कुछ आता है, वो शेड्यूल कौन कौन से कितने हैं? तो शेड्यूल्स आर ए 12, ओके, ऑप्शन नंबर ए 12 शेड्यूल्स आर देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। लास्ट देखिए स्नीपेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। द संवैधानिक सभा हमारी जो है वह हमारे संविधान की रचना के लिए जिम्मेदार है। इट टुक दैम 2 years 11 months and 17 days टू कम्प्लीट द ड्राफ्ट। हमारे संविधान की रचना होने में, बनाए जाने में 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा है। दैट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू यू ऑल। ओके।